नमस्कार दोस्तों, आज स्पीकअप इंडिया के माध्यम से पूरे देश भर से लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार तक के पहुंचानी है। देश भर में कोविड-19 से खड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोग उठा रहे हैं वो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग, थोड़े बड़े लोग भी हैं, थोड़ी इंडस्ट्रीज, ये तमाम लोग इसमें परेशानियां उठा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो जितना बड़े लोगों को मौका देता है उतना ही वो गरीब और कमजोरों को भी मौका देता है। जहां महात्मा गांधी जी डेमोक्रेसी के हक में थे और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर थे, वहीं पर उन्होंने यंग इंडिया जो किताब है लाला लाजपत राय जी की, उसमें ये कहा कि एक तरफ ये डेमोक्रेसी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, इसका उपयोग गरीब और हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का बहुत उपयोग होगा, मगर साथ ही में उन्हें कहीं ना कहीं ये शंका भी थी जो उन्होंने बोल के दिखाई कि कहीं इस डेमोक्रेसी का दुरुपयोग होने की भी शक्यता नकारता आती नहीं है, मतलब इसकी डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी जो एक नंबर गेम है उसमें गरीबों की आवाज़ कहीं दब के भी रह जाएगी, ऐसे उनको हमेशा लगता रहा। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और सर्वोदया ये जो प्रिंसिपल्स थे, आज सत्याग्रह देखिए कितना महत्व पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, कि आज स्पीकअप इंडिया ये एक सत्याग्रह है। जब पावर के गलियारों में उनके निर्णयों को बगैर जनता की आवाज सुने जो फैसले किए जाते हैं, तो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये एक सत्याग्रह है। सर्वोदया जो गांधी जी का दूसरा प्रिंसिपल था, जिसमें सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। आज देश में फिर से एक बार महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके विचारों पे चलने पर आपको हमको मजबूर कर दिया है। जरूरी है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे आज़ादी उस आखिरी वर्ग के लोगों के लिए चाहिए जिसके तन पर कपड़ा नहीं, जिसके पेट में अन्न नहीं, जिसे कोई आसरा नहीं, उसे आसरा देने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए, उसे समाज में खड़ा करने के लिए मुझे आज़ादी चाहिए। और इसी डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र का जो टूल है उसके माध्यम से उस काम को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में जितना सत्ता के गलियारों में बैठे हुए सरकार का अधिकार है, हक है, ताकत है, लोकतंत्र में उतनी ही ताकत विरोधी पक्षों की है, जहां सब सुनना बंद कर दें और उसकी कॉग्निजेंस लेना बंद कर दें और उसे पॉजिटिवली ना देखें, वो लोकतंत्र कमजोर माना जाता है। आज हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने, जब से कोविड का मसला शुरू हुआ तब से सरकार को हमेशा ये बताते आए हैं कि माइग्रेंट लेबर्स, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, गरीब आदमी इस कोविड की परिस्थिति में बहुत परेशानी और मुश्किल में आने वाला है, इनके लिए उपाय योजना कीजिए, मगर सरकार ने उन बातों को सुनी अनसुनी कर दी। दोस्तों, हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं
कि कांग्रेस की जो न्याय योजना है उसे तुरंत वो इम्प्लीमेंट करे, उसके तहत हर गरीब इंसान को जो इनकम टैक्स नहीं भरता है उसके अकाउंट में 10,000 रुपये वो तुरंत भरे, और न्याय की जो कांग्रेस की योजना है उसके तहत हर महीने 7,500 रुपये अगले 6 महीने तक उस गरीब इंसान के अकाउंट में दें। इसके साथ ही जो गरीब मजदूर निकल करके अपने गांव की तरफ जा रहा है उसे अपने गांव तक, उसके अपने घर तक पहुंचाने का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। जो गरीब इंसान गांव पे जा रहा है उसे रोजगार की दिक्कत पेश आने वाली है। मनरेगा की जो 100 दिन है जिसके तहत गांव ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलता है उन 100 दिनों को बढ़ा करके 200 दिन किया जाए। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ गई अचानक लॉकडाउन जाहिर कर देने की वजह से, उनका फिनिश प्रोडक्ट कारखानों में रह गया, उनका रॉ मटेरियल वहीं के वहीं पड़ा रह गया, उनके पेमेंट्स जो लोगों से आने थे वो सारे रुक गए, इसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बहुत मुश्किल और परेशानी में है। इनको कर्ज नहीं, इनको एक रकम की मदद सरकार की तरफ से, एक हाथ पूरी मदद की जरूरत है। भारतवर्ष में आपने हमने सबने देखा है, कई पिक्चरें भी बनी है, मदर इंडिया जिसमें हमने देखा था कि मनी लेंडर्स गांव गांव के अंदर होते थे, और ऐसी जब पैंडेमिक परिस्थितियां होती थी तब भी मनी लेंडर्स किस तरह से गरीबों का खून चूसते थे। आज अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने 20 लाख हजार करोड़ रुपए देश में दे दिया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को दे दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दे दिया है, तो दोस्तों आज जिस गरीब के पास, आज जिस स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के पास अपना काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो कर्ज कहाँ से लेगा, और वो कर्ज लेकर के अपनी इंडस्ट्री कैसे शुरू करेगा, मैन पावर कहाँ से लाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए देश को फिर से लोगों को कर्ज लेने की आदत मत डलवाइए, लोगों को आज एक हाथ मदद की जरूरत है और वो आपने करना चाहिए, ये हमें लगता है कांग्रेस की यही डिमांड है केंद्र सरकार से, और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन बातों को लेकर के गंभीर पूर्वक विचार करके इस पे तुरंत फैसला करेगी। धन्यवाद।